हेलो फ्रेंड्स, आज ये जो पेपर है यूजीसी, ये यूजीसी नेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, यूजीसी नेट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था दिसंबर 2018 का, यहाँ से मैंने 50 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन का पेपर था इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन लिए हैं। 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, तो उसका आंसर सहित मैं बता रहा हूँ ये। तो शुरू करते हैं, हमारे पास ये पेपर जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स एज दे आर, इनमें से किसका एक अल्टरनेटिव टाइटल था थिंग्स एज दे आर। होरिस वालपोल का जो द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि गॉथिक नॉवल था, हम सभी को पता है, और मैरी सेली जो फ्रैंकेंस्टाइन था, ये भी एक गॉथिक नॉवल ही था, जो साइंस फिक्शन था, पहला साइंस फिक्शन है। विलियम गॉडविन्स कैलेब विलियम्स, ये विलियम गॉडविन का जो नॉवल था, ये कैलेब विलियम्स, ये जो था इसका अल्टरनेटिव टाइटल जो था थिंग्स एज दे आर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्योंकि कई सेट का पेपर हुआ था, तो पेपर ऑनलाइन हुआ था, अलग अलग आए थे, तो ये एक सेट का जो मेरे पास बचा है, एक कैंडिडेट के माध्यम से मैंने इसे ऑप्टेन किया है, तो मैं वही बता रहा हूँ। और पेपर वेरी कर सकता है, क्योंकि 2-3 दिन एग्ज़ाम हुए थे, 2 दिन ही हुए थे, तो अलग अलग एग्ज़ाम हुए थे। तो यहाँ पर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, हु विविड वर्ड्सवर्थ सदी एंड कॉलरिज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्ट्स ऑफ पोइट, किसने वर्ड्सवर्थ सदी और कॉलरिज को एक सेक्ट्स ऑफ पोइट के रूप में कहा, जो डिसेंटर थे, जो इस्टेब्लिश सिस्टम थे, मतलब मान्यता प्राप्त जो परंपरा थी पोइट्री और क्रिटिसिज्म में, उसके अंगेज थे, ऐसा किसने कहा था। और हु कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट फॉर्मिडेबल कॉन्स्पिरेसी एंड साउंड जजमेंट इन मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल, तो ये हमारे लिए ऑप्शन है, फ्रांसिस जेफरी हैं, क्योंकि इन्होंने लेकर्स या लेक पोइट्स कहा था इनके लिए, हालांकि वो नेगेटिव सेंस में कहा था, लेकर्स या लेक पोइट, लेक पोइट्स में शामिल भी हैं, हमें पता वर्ड्सवर्थ हैं, सदी हैं और कॉलरिज हैं। तो फ्रांसिस जेफरी ने, जैसे अगर ये सवाल बने हु कॉइंड द टर्म लेकर्स, लेकर्स या लेक पोइट्स किसने शब्द कॉइन किया, तो फ्रांसिस जेफरी हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। इन ट्रेडिशनल ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, द नेटिव स्पीकर इज एलिवेटेड एंड आइडियलाइज्ड अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्ड नॉन नेटिव स्पीकर, दिस टेंडेंसी इज डब्ड नेटिव स्पीकरिज्म बाय एड्रियन, एक लिंग्विस्ट हैं, बाय एड्रियन हॉलिडे, ऐसा इन्होंने किया था। तो हमारा ऑप्शन जो नेटिव स्पीकरिज्म इस प्रकार की चीज़ों को कहा था एड्रियन हॉलिडे ने, हालांकि लैंग्वेज का पार्ट है, लिंग्विस्ट का पार्ट है, लैंग्वेज बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो ऐसे भी लैंग्वेज कमज़ोर होती है लोगों की, लिंग्विस्ट से कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। सो नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन 1992 डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इन अयोध्या प्रोड्यूस टू कंट्रोवर्सियल लिटरेरी रिस्पॉन्सेज, 1992 में जो अयोध्या बाबरी का मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसमें क्या कहते हैं कि दो विवादास्पद टू कंट्रोवर्सियल लिटरेरी रिस्पॉन्सेज आइडेंटिफाई दम, तो कौन दो विवादास्पद मुद्दे उठाए थे उसमें, ये नॉवेल थे द मूवर्स लास्ट सही, ये सलमान रश्दी का, और लज्जा तस्लीमा नसरीन की थी, ये थी। और दूसरे ऑप्शन जो हैं हमारे पास, दूसरे ऑप्शन था वो, इसमें ऑप्शन तीन जो है मिसिंग है, ऑप्शन तीन और चार मिसिंग है। ऑप्शन तीन में जो पेपर में था क्रॉनिकल्स ऑफ अ राइट था, क्रॉनिकल्स ऑफ अ राइट फोरटोल्ड और शेम था, ये था नहीं। और चौथा था आउट ऑफ प्लेस या अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, आउट ऑफ प्लेस और अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस ये एक नॉन फिक्शन वर्क था, किसका था, अरुंधति राय का था, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन लेबल्ड एज एजेशन, एक को कथन और दूसरे को उसका कारण बताया गया है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसमें कौन सा सही है, तो देखते हैं। जेंडर स्टडीज डू नॉट सी एन अर्जेंट नीड टू हेल्प अस नेविगेट द वेरियस पिटफॉल्स ऑफ रेसिज्म, इको सेंट्रिसिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड पेन इग्नोरेंस दैट फ्लो फ्रॉम यूजिंग कल्चर एज एन एक्सप्लेनेटरी टूल्स, रीजन इश्यूज रिलेटिंग टू वीमेंस राइट्स, जेंडर रोल्स, सेक्सुअलिटी एंड फैमिली,
obligations are centrally implicated in the so-called clash of civilization between Christianity or secularism and Islam. इसमें ये पूछना है कि कौन सा कथन और कारण दिए हैं, कौन सा कथन और कौन सा कारण सही है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये जो ऑप्शन थ्री है ये सही है. मतलब आर जो है डज नॉट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम ए. आर और ए जो है तार्किक रूप से फॉलो नहीं करता है. तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट चलते हैं हम. एलन टेट जो एलन टेट वंस मेड ए यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर. एलन टेट ने स्ट्रक्चर और टेक्सचर में एक उपयोगी भेद बताया था. द डिस्टिंक्शन रिफर टू, यह अंतर किसका किस बात को रिफर करता है. तो इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑन विच अ नरेटिव कास्ट लाइट, ये है द मेन लाइन ऑफ नरेटिव, कहानी की जो मुख्य धारा है, मेन लाइन ऑफ नरेटिव आर्ग्यूमेंट एट्सेट्रा एंड रेटोरिकल स्टाइलिस्टिक मेटाफोरिकल एंड अदर डिवाइसेज रेस्पेक्टिवली. तो हमारा ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट चलते हैं हम. रियलिटी इज दैट नथिंग हैपेंस. हाउ मेनी ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैव अकर्ड, आस्क योर सेल्फ फॉर दिस एंड फॉर दैट रीजन, बट फॉर नो अदर रीजन फंडामेंटली दैन द डिजायर टू मेक थिंग्स हैपन. आई प्रेजेंट टू यू हिस्ट्री, द फैब्रिकेशन, द डाइवर्जन, द रियलिटी ऑब्स्क्योरिंग ड्रामा. तो विच पोस्ट मॉडर्न नॉवल, कौन सा पोस्ट मॉडर्न नॉवल इस प्रकार से ऑब्जर्व करता है ट्रूथ क्लेम द ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. ये ए एस वाइट का पजेशन जिसे बुकर प्राइज भी मिला था ये नहीं है. ग्राहम स्विफ्ट्स वाटरलैंड ये भी नहीं है. जॉन फाउल्स द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वूमन, जी हाँ. हमारा माइकल ऑनजे द इंग्लिश पेशेंट. अच्छा, इंग्लिश पेशेंट के बारे में भी बता दूँ एक बात. तो इंग्लिश पेशेंट को बुकर प्राइज मिला था 92 में, आई थिंक, यस 92 में बुकर प्राइज मिला था. और इस बुक 2018 में भी इसको एक पुरस्कार मिला, इसको गोल्डन बुकर प्राइज नाम से इसी इंग्लिश पेशेंट को मिला. तो हमारा ऑप्शन दो और ऑप्शन टू इज़ करेक्ट. सॉरी, ये एक मिनट, हमारा ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था. हमारा ऑप्शन ग्राहम स्विफ्ट्स का नो ये वाटरलैंड से है. दिस वन इज़ करेक्ट. आई मिस इंटरप्रेटेड, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इन विच ऑफ द नॉवेल्स डज इटालो कैल्विनो कंस्ट्रक्ट द नरेटिव थ्रू अ डायरेक्ट पैक ऑफ कार्ड्स, री इंटरप्रेट द वेस्टर्न कैनन प्रोवाइडिंग न्यू वर्जन्स ऑफ ईडिपस रेक्स, फॉस्ट, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर. ऐसा कहाँ पर वो करता है. तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन इसमें एक ही है, द कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज. तो हमारा ऑप्शन ही यही सही भी है. लेकिन दूसरे जो दूसरे ऑप्शन हैं उसमें इनविजिबल सिटीज है जो कि हो नहीं पाए, इनविजिबल सिटीज था. और तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो था द पाथ टू द नेस्ट ऑफ स्पाइडर. और चौथा था जो हमारे पास आवर एंसेस्टर्स. ये करके चार ऑप्शन थे जो उसमें मिसिंग है, तीन ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन ही सही है. हु एमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइड द रोल ऑफ पीजेंट पोइट्स के रोल को किसने एग्जाम्पलीफाई किया, और द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज. तो किसने किया था, वन एंड फोर रॉबर्ट बर्नर्स से तो किया था, नो डाउट. स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता है इनको, स्कॉटिश चौसर कहा जाता है. और जॉन क्लेयर का भी हम देखते हैं, जी हाँ, हमारा ऑप्शन यही है. तो जॉन क्लेयर थे और रॉबर्ट बर्न्स थे. नेक्स्ट है, अल्बर्ट कामू बारूज द फॉलोइंग एपिग्राफ टू हिज नॉवेल द प्लेग फ्रॉम, इट इज़ रीजनेबल टू रिप्रेजेंट वन काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय अनदर एज इट इज़ टू रिप्रेजेंट एनीथिंग दैट रियली एग्जिस्ट बाय विच एग्जिस्ट नॉट. ये डेनियल डिफो का जो रॉबिन्सन क्रूजो था नॉवेल, वहाँ से इन्होंने लिया था. जेम्स हॉक का द कन्फेशन ऑफ अ जस्टिफाइड सीनर, रॉबर्ट बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, जर्मी बेंथम के द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लिजिंगसन, यहाँ से नहीं था.
नेक्स्ट चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द करेक्टर विद द प्ले, करेक्टर को प्ले से मैच करना है। तो ये डोरेमोन का द मैन ऑफ मोड का है, द मैन ऑफ मोड अभी कल ही बताया था, जो इथर मतलब रेस्टोरेशन कॉमेडी का है। और ये लेडी फिजेट जो है द कंट्री वाइफ की हैं, और मेलवोल जो है द मेल कंटेंट का है, और वर्निस जो है द प्लेन डीलर का है। तो हमारा इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एस टी कॉलरिज डिजेक्शन एंड वुड ओपन्स विद एन एपिग्राफ विच इज अ रेफरेंस टू अ बैलेड। एस टी कॉलरिज का जो डिजेक्शन नाम का जो वुड है वो एक एपिग्राफ से शुरू होता है, और एक एपिग्राफ विच इज रेफरेंस टू अ बैलेट, जिसमें एक बैलेट का रेफरेंस आता है। वो बैलेट कौन सा है? तो लाबेल दैमसा मर्सी जी नहीं, बैलेट ऑफ गिवेट ये भी नहीं है, बैलेट ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम 13, द चैप्टर ऑन द फॉल ऑफ रूपी यू मे ओमिट, इट इज़ सम वॉट टू सेंसेशनल, इवन दीज मेटालिक प्रॉब्लम्स हैव देयर मेलोड्रामेटिक साइड। द फॉल ऑफ द इंडियन रूपी इन द फाइनल डिकेट्स ऑफ 19th सेंचुरी इज़ रिफर्ड टू इन वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स प्लेज। ऐसा इंडियन रूपीज की फॉल के बारे में ऑस्कर वाइल्ड की एक प्ले में जिक्र आया है, उस प्ले को हमें पता लगाना है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट ये है, तो हमारा ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच इंटरप्रिटेशन ऑफ किड्स ब्यूटी टू ब्यूटी बेस्ट रिप्रेजेंट द माइमेटिक परस्पेक्टिव, कौन सा माइमेटिक परस्पेक्टिव सही से रिप्रेजेंट करता है? तो क्या है, अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ ब्यूटीफुल इन सो फार एज इट ऑफर्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर विथ फुली रियलाइज करेक्टर्स एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। यही सही है, बाकी आप चारों पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर ग्रेट पेन इन द फेमस एमिली डिकिंसन्स पोइम। तो ग्रेट पेन के बाद क्या आता है इस पोइम में जो है? तो हमारा ऑप्शन जो है अ फॉर्मल फीलिंग ये आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फुल मेनी अ लेडी आई हैव आईड विद बेस्ट रिगार्ड एंड मेनी अ टाइम द हारमोनी ऑफ दैट टंग्स हैथ इनटू बॉन्डेज brought my two delight ear for several virtues have I liked several women never any with so full soul but some defect in her did quarrel with the noblest grace she would and put it to the foil but you oh you so perfect and so peerless are created of every creature's best. This passage admiring the perfect matching of inner and outward beauty of a woman is taken from ye kahan se liye gaye Shakespeare ke Tempest se liye gaye hai शेक्सपियर के टेम्पेस्ट जॉन वेबस्टर डचेज ऑफ माल्फी थॉमस मिडलटन बीमिन बी वेर बीमिन मार्लोज डॉक्टर फॉसेस यहाँ से नहीं जी ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिए गए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन इमिटेशन ऑफ विच क्लासिकल पोएट डिड सैमुअल जॉनसन राइट हिज लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज। किसकी इमिटेशन में लिखा है? जुबेनल की मतलब इमिटेशन में लिखा है उन्होंने ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच एंशियंट ग्रीक राइटर्स नेम इज डायरेक्टली मेंशन लॉर्ड बायरन्स पोएम द आइल ऑफ ग्रीस। आइल ऑफ ग्रीस में डायरेक्टली कौन सा राइटर मेंशन पाता है? शैफो का मेंशन आता है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एलन सेलीज द ट्रॉटर नामा ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एलन सेली का ट्रॉटर नामा नाम की बुक है वो इंडियन हिस्ट्री एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की हिस्ट्री को ट्रेस करता है। ऑफ सेवन जनरेशन ऑफ ट्रॉटर फैमिली का टोल्ड बाय द सेवन ट्रॉटर दिस नरेटर इज। ये नरेटर कौन है? इसमें नरेटर कौन है? अ फॉर्जर ऑफ इंडियन मिनिएचर्स। ये हमारा ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं द फॉलोइंग एपिटाफ वॉज रिटन बाई रडयार्ड किपलिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 1918। तो क्या है, दिस मैन इज हिंदू सिपाही इन फ्रांस नाम का ये लिखा था उन्होंने एपिटाफ। दिस मैन इन इज हिज ओन कंट्री प्रेड बी नो नॉट टू व्हाट पावर्स बी प्रेड हिम टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी इन आवर्स। पावर हियर रिफर्स टू
पावर यहाँ के क्या रिफ़र कर रहे हैं, पावर हियर रिफर्स टू द मिलिट्री द हिंदू सिपाहीज द पावर, ये हमारा पहला ऑप्शन और ऑप्शन टू इज़ करेक्ट। पावर हियर रिफर्स टू द डिवाइन पावर एंड आवर कंट्री, रिफर्स टू द डिवाइन पावर आवर्स टू आवर कंट्री, ये हमारा ऑप्शन दो सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इन दिस नॉवल ग्राहम ग्रीन अ डबल इन दिस नॉवल बाई ग्राहम ग्रीन अ डबल एजेंट यूज क्लासिक वर्क्स ऑफ फिक्शन टू एनकोड सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ही पुट्स क्लैरिसा हार्लो बैक इन द ई पुट क्लैरिसा हार्लो बैक इन द बुक केश इज द फर्स्ट ड्यू क्लू टू हिज ट्रैचरी। देन ही ड्राज ऑन वार एंड पीस एंड द बी बिलीव नाउ एज मैट्रिसेस फॉर सीक्रेटली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। आइडेंटिफाई द नावल। इस नावल में ग्राहम ग्रीन जो है एक डबल एजेंट का प्रयोग करते हैं, यूज क्लासिक वर्क ऑफ फिक्शन टू जो कई क्लासिक फिक्शन को प्रयोग करते हैं इनकोड करने के लिए, सूचनाओं को मतलब इनकोड करने के लिए, डिकोड करने के लिए। तो वो कौन सा नावल है ऐसा, ये ग्राहम ग्रीन का ह्यूमन फैक्टर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हर गॉड हर लूसीफर बिवेयर बिवेयर आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मेन लाइक हेयर, इसमें किस मिथ का वर्णन आता है? तो जैसे मिथ ऑफ फिनिक्स, क्योंकि फिनिक्स अपनी जल के पुनः रिवर्थ लेता है, तो ये है अमृत को शो करता है। क्राइट्स रिजरेक्शन नहीं है, द लेजेंड ऑफ द लेडी ऑफ द लेक नहीं है, द फेरी टेल ऑफ गर्ल, ये पहला ही सही है, मिथ ऑफ फिनिक्स। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम। द रोमांटिक पीरियड प्रोड्यूस्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म। अ नॉवल एग्जाम्पल ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, एज किसने लिखा है? ये तो सभी को पता है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ थॉमस डिक्विंसी का है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पढ़ना है, ये फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि लिया गया है, और ये जो है इसका मैं पढ़ता हूँ एक बार। तो लिमदी नेट के क्वेश्चन अब जो आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, आप ऑनलाइनर पढ़ के यू कैन नॉट थिंक ऑफ क्रैकिंग दैट। आई हैव कैरीड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दिस ट्रांसलेशन अबाउट विद मी फॉर डेज रीडिंग इट इन रेलवे ट्रेन्स आर ऑन द टॉप ऑफ द ओमनी बसेज एंड इन द रेस्टोरेंट्स एंड आई हैव ऑफन हैड टू क्लोज इट लेस सम स्ट्रेंजर वुड सी हाउ मच इट मूव मी। दीज लिरिक्स विच आर इन द ओरिजिनल My Indian friend tell me full of subtlety of rhythm of untranslatable delicacies of color metrical invention display in their thoughts thought a word I have dreamed of all my long the work of supreme culture yet appear as much a growth of the common soil as the grass and the rushes a tradition where poetry and religion are the same thing has passed through the centuries gathering from learned and unlearned metaphor and emotion and carried back again to the multitude the thought of the scholar and the noble if the civilization of Bengal remains unbroken if that common mind which as one divine runs through all is not as with us broken into a dozen minds that know nothing of each other something even of what is most subtle in these verses will have come in a few generation to the beggar on the road। ये ऐसा डब्ल्यू बी एट्स ने इंट्रोडक्शन गीतांजलि के इंट्रोडक्शन के लिए लिखा है। इन दिस पैसेज एट्स प्रेजेस इंडियन कल्चर प्राइमरली बिकॉज एट्स इसमें इंडियन कल्चर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा कर रहे हैं कि इट एम्बॉडीज वैल्यूज एंड गिव्स राइज टू आर्ट दैट कैन बी शेयर्ड बाई ऑल पीपल। इसमें ऐसी क्वालिटी होती है जो सभी के द्वारा शेयर की जा सके, तो यूथ इंडियन कल्चर की मतलब खूबी रही है, इट अब्सॉर्ब्स इट एसिमिलेट्स एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन था ऐसा? तो क्वीन बी रीड एडम बीड विथ सच प्लेजर दैट, ऐसा कौन सी पर्सनालिटी था जिसने एडम बीड को इतने आनंद के साथ पढ़ा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी रेकमेंड कर दिया?
कि ये पढ़ो जरूर, रिकमेंडेड टू हर रिलेटिव बट आल्सो कमीशन टू पेंटिंग्स ऑफ सीन्स फ्रॉम द नॉवल। तो ऐसा क्वीन विक्टोरिया ने किया था। इन मार्लोज डॉक्टर फास्टस व्हाट बुक्स डज वाल्डीज काउंसिल फास्टस टू स्टडी इन प्रिपरेशन फॉर कंज्यूरिंग स्पिरिट। इन मार्लो के डॉक्टर फास्टस में कौन सी किताबें वो पढ़ने के लिए जो वाल्डीज और बुक डच वाल्डीज काउंसिल सलाह देता है फास्टस को पढ़ने के लिए, अपने उसको ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मैजिकल पावर को बढ़ाने के लिए। तो दो किताबों का द वर्क ऑफ बेकन एंड अवेनस एंड हेब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट, ये किताबें हैं। तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। मैच द पोएम विद ओपनिंग लाइन्स, लाइन को मैच करना है। तो ये हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन जो है 3 सही है। तो ए का हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ओड टू साइकी, ए का 4th सही है। तो ये है ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग, तो ए का जो है ये 4th सही हो गया। और बी का 3rd सही है, ओड टू ए नाइटिंगेल, तो दाउ स्टिल अनरेविस्ट ब्राइड ऑफ, ये तो पता है, पॉपुलर है ही क्योंकि असोनेंस का एग्जांपल है, कंसोनेंस का, असोनेंस का ओट। और उसके बाद सी का 1st सही है, तो ओट टू नाइटिंगेल माई हार्ट एक्स, जी हाँ। उसके बाद जो बचा है डी का 2rd सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 27 हो गया हमारा क्वेश्चन। 28वें पे चलते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1941 निकोस कजांजाकिस एम्बार्क्ड ऑन वन ऑफ हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अपली नोन एज यांगटेज, व्हाट इंग्लिश ग्रीक टाइटल इज इट नाउ नोन एज। इसे मतलब उन्होंने 1941 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका इंग्लिश वर्जन वो किस रूप में जाना जाता है, वो बुद्धा के रूप में, ये चाइनीज़ है। तो व्हाई डिड प्लेटो बैनिश द पोइट फ्रॉम इज आइडियल स्टेट, अपने आइडियल स्टेट से प्लेटो ने पोइट्स क्यों बैनिश कर दिया। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्यों कर दिया था, क्योंकि पोइट्री डील्स विद फॉर्म टू नेग्लेक्ट द कंट, ऐसा नहीं है, इन रिप्रेजेंटिंग द सेंसुअल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, क्योंकि पोइट्री क्या करती है, लोगों को रियलिटी से दूर ले जाती है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी कहते हैं। द पोइट फील्स टू डिसर्न द ट्रांसेंडेंट रियलिटी बिहाइंड मियर अपियरेंस। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जॉनथन स्विफ्ट अराइव्ड इन लंडन इन 1710 एंड कन्फाउंडेड अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड इन द न्यू टॉरी मिनिस्ट्री, हिज रिएक्शन टू दिस वर्ल्ड आर विविडली रिकॉर्डेड इन द जर्नल टू स्टेला। उनकी जो रिएक्शन है उस समय की, इसमें अ सीरीज ऑफ लेटर्स एड्रेस टू, ए सीरीज ऑफ लेटर किसको एड्रेस थे, तो ये जो एड्रेस थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम सीरीज ऑफ लेटर एड्रेस टू, तो सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हमारा सेकेंड ईस्टर जॉनसन एंड रिबेका डिंगले, ईस्टर जॉनसन और रिबेका डिंगले को ये एड्रेस थे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्या कहते हैं कि है नहीं हमारे पास, तो हमारा वो नेक्स्ट चलते हैं हम। निकोलस निकलबाई जो डिकेंस का नॉवेल है, फर्मली एस्टेब्लिश चार्ल्स डिकेंस एज ए डोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ द टाइम, उन्होंने एकदम डोमिनेंट नॉवलिस्ट के रूप में उन्हें उस वक्त के एकदम इस्टेब्लिश कर दिया। और एंड द बुक एज एन अनरेवल्ड लिटरेरी फेनोमेनन टू सेलिब्रेट द कंपेनियन ऑफ द बुक, अ पेंटर नोटेड दैट देयर हैड बीन नथिंग कंपेरेबल टू हिम सिंस द डेज ऑफ सैमुअल रिचर्डसन, आइडेंटिफाई द पेंटर, किस पेंटर ने ऐसे उनके बारे में कहा था, तो इट वॉज डेविड विल्की नाम का एक पेंटर थे, उन्होंने जो उन्हीं के साथ थे, उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे चार्ल्स डिकेंस के, तो ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज कोटेड एज द एपिग्राफ टू अ रीजन इन द सन बाई लॉरेन हैंसबरी, ऐसा हार्लेम अ ड्रीम रिफर्ड नाम की पोइम रिफर किया गया है, मतलब कोट किया गया है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो था वो
वाज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन इंग्लिश हिस्ट्री, इतिहास अंग्रेजी इतिहास में एक महत्वपूर्ण पाथ ब्रेकिंग था ये। व्हाट फ्रेंच डिड द नॉर्मन व्हाट फ्रेंच डिड द नॉर्मन स्पीक एंड व्हाट वाज इट नोन एज, कौन सी फ्रांस भाषा वो लोग बोलते थे और इसे किस नाम से जाना जाता था। तो इट वाज स्पोकन, ये जो है द स्पीक दे स्पोक, वे बोलते थे नॉर्मन फ्रेंच बोलते थे जिसे एंग्लो नॉर्मन कहा जाता था। देयर्स वॉज सर्टेनली नॉट द स्टैंडर्ड फ्रेंच, वो बहुत स्टैंडर्ड फ्रेंच नहीं था उस समय का। यहाँ पर देखते हैं, बिनो दैट अ टेक्स्ट इज, ये थियरी से है, बिनो दैट अ टेक्स्ट इज नॉट अ लाइन ऑफ वर्ड्स रिलीजिंग अ सिंगल थियोलॉजिकल मीनिंग द मैसेज ऑफ द ऑथर ऑफ गॉड बट अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस इन विच अ वराइटी ऑफ राइटिंग नन ऑफ देम ओरिजिनल ब्लेंड एंड क्लैश लिटरेचर बाई रिफ्यूजिंग टू असाइन अ सीक्रेट एंड अल्टीमेट मीनिंग टू द टेक्स्ट एंड टू द वर्ल्ड एज टेक्स्ट लिबरेट्स वॉट मे बी कॉल्ड एज एंटी थियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी दैट इज ट्रूली रिवोल्यूशनरी सिंस टू रिफ्यूज टू फिक्स मीनिंग इज इन द एंड टू रिफ्यूज गॉड एंड हाइपोस्टेसीज रीजन साइंस एंड लॉ। दिस पैसेज कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेथ ऑफ आर्थर, रोला बांथ ने जो लिखा है वहाँ से लिया गया। व्हाट इज एन आर्थर, मिशेल फूको डिस्कोर्स इन द नॉवेल, मिकाइल बाख्तिन डायलॉजिजम वगैरह जो दिया है, हेट्रोग्लासिया का कॉन्सेप्ट दिया है, कार्निवलेस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जी नहीं, हमारा ऑप्शन फोर सही है, तो द डेथ ऑफ आथर। नेक्स्ट है मैच द राइटर विद द वर्क, राइटर को उनके वर्क से मिलाना है, तो हमारा हम राइटर को वर्क से मिलाते हैं। तो सबसे पहले लेवियाथन समझ में आ रहा है, लेवियाथन विशाल का है जो टॉमस हॉब्स का है, दैवीय अधिकार के सिद्धांत को वर्णन किए इन्होंने, लेवियाथन हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं कि एकत्री हो गया, एकत्री एक द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी जॉर्ज पुटेनहम। उसके बाद बी का फोर हो गया, बी का टॉमस स्प्रेड द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी। उसके बाद सी का टू हो गया, द प्रैक्टिस ऑफ पाइटी, और डी का पहला हो गया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रामर बुलीज द ग्रामर बुलीज यू रीड देम इन प्लेस लाइक टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड यू टेल यू व्हाट इज करेक्ट, यू मस्ट नेवर यूज होपफुली वी विल बी गोइंग देयर ऑन थर्सडे दैट इज इनकरेक्ट एंड रॉन्ग एंड यू आर बेसिकली एन इग्नोरेंट पिग इफ यू सेड। This is judgmentalism. The game that is being played there is a game of social class. It has nothing to do with the morality of writing and speaking. Speaking and thinking carefully of which George Orwell, for instance, talked so well. To which famous essay of George Orwell does the author refer here? किस essay का यहाँ पर जिक्र आया है? यहाँ पर जो जिक्र आया है ये है, क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज से है, यहाँ पर ये टिक गलत लगा है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स वॉज नॉट कॉमन टू द वर्क्स ऑफ कैवालियर पोइट सच एज टॉमस कैरेज और सर जॉन डेनहैम, एडमंड वेलर, सर जॉन सकलिंग और जेम्स सरली, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक, कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन थ्री, यहाँ लॉयल्टी टू द किंग थे, चार्ल्स कैवेलियर थे, वो चार्ल्स का समर्थन करते थे, कार्प डीएम थे, इनका मानना था लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फ्लीटिंग, सो ये ड्रिंक एंड एन्जॉय, पायस डिवोशन टू रिलीजियस वर्च्यूज ये नहीं था, कर्टली आइडियाज ऑफ गुड ये सब था यही नहीं था, तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास ड्यूरिंग द विक्टोरियन ईरा, विक्टोरियन ईरा के दौरान कौन सा एक्ट नहीं पास हुआ था? तो हम देखते हैं, सॉरी, अ सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट ये पास हुए थे, ये पास हुआ था, मैरिड वीमेंस ये भी पास हुआ था, द कस्टडी एक्ट ये नहीं पास हुआ था, द वीमेंस सफरेज एक्ट ये नहीं पास हुआ था। डेविड मलूफ्स नॉवल रैनसम इज बेस्ड ऑन, डेविड मलूफ का जो नॉवल है रैनसम
वो बेस्ड है, एन एपिसोड इन ट्रोजन वार, ये ऑप्शन डी सही है, और महाभारत पर नहीं आधारित है, एडमंड ब्लंडन की वार पर आधारित नहीं है, हाँ ये सब नहीं आधारित है। हु अमंग द फॉलोइंग आर रिफर टू एज स्कॉटिश चौसेरियन, किसको किसको स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है ये ऑप्शन 3 जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, ये हैं सेकेंड एंड फोर, तो कौन कौन से हैं सेकेंड एंड फोर, रॉबर्ट हेनरिसन है और विलियम डनबार है, इनको स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट बाई डब्ल्यू ई बी डू बॉयज फेमस आर्टिकुलेशन ऑफ द टूनेस ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स, ये कौन सा इनके लिए, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, इट्स सम वॉट वेरी टफ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा एक्यूरेट है डब्ल्यू बी इनके द्वारा, जो टूनेस ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स का जो दोहरेपन का वो था आर्टिकुलेशन दो ढंग से, किसके लिए कौन सा सटीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन, इट इज़ ए पेकुलियर सेंसेशन दिस डबल कॉन्सियसनेस द सेंस ऑफ ऑलवेज लुकिंग एट वन सेल्फ थ्रू द आइज ऑफ अदर्स, यही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है। थॉमस नेस द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जानते हैं क्या है, एक पिकारेस्क नॉवेल है, पिकारो शब्द से बना है, स्पेनिश वर्ड होता है पिकारो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस शब्द से बना, पिकारो का मतलब रोग या बदमाश, इट डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ एन आइटिरेंट या नोमैडिक हीरो होता है इसका। अच्छा, पिकारेस्क नॉवेल की एक और बात बता दूँ, इट इज़ एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, सैटायरिक इन टोन एंड रियलिस्टिक इन मैनर, तो हमारा पहला ही ऑप्शन जैक बिल्टन या एन इंग्लिश पेज, ये है इसका, थॉमस नेस इज नरेटेड बाई, ये किसने नरेट किया है, तो जैक बिल्टन की कहानी है इसमें। 44 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद द नॉवल, तो इसमें हम देखते हैं हमारा नॉवल से मैच करना है, तो एक अतीसा सही है, चित्रा बनर्जी देवी, तो द हीरोज वॉक हो गया, और सॉरी एक अतीसा द सिस्टर ऑफ माई हार्ट हो गया, अनीता राव बदामी, और बी का चौथा सही है, तो ये हो जाए हीरोज, द हीरोज वॉक हो गया, और अंजना अपाचना जो है ये जो है सी का दूसरा हो गया, तो लिसनिंग नाउ हो गया, और इंदिरा गणेशन जो है द इनहेरिटेंस, इस प्रकार से ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडेटेड टू द गॉथिक जानरा, गॉथिक जानरा को कौन सा नहीं डेडिकेट है, जी ये जो है टोबियस स्मॉलेट का, ये नहीं है, एन रेडक्लिफ इटालियन ये है, विलियम बेकफोर्ड बथिक, मैथ्यू लेविस द मंग, ये सब गॉथिक है, रॉड्रिक ये एपिस्टोलरी नॉवेल में आ जाता है, रॉड्रिक रैंडम एक दूसरा कुल मिला कि पिकरेस्क टाइप का आ जाता है, टोबियस स्मॉलेट। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द एंशियंट प्रेस्क्राइब द पोएट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, प्राचीन क्रिटिक्स में कैसे किसने इसने कहा कि पोएट्री को शिक्षा भी देना चाहिए और मनोरंजन भी देना चाहिए, ऐसा होरिस ने कहा था, प्लॉटिनस अरिस्टोटल लोंजाइनस ने नहीं कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्नोल्ड बेस्कर इज एसोसिएटेड विद किचन सिंह ड्रामा, किचन सिंह ड्रामा जो ऑर्डिनरी लाइफ की व्यक्ति की कहानी दिखाती है, जैसे लुक बैक इन एंगर टाइप का है, और अदर डिसेंडिंग टाइटल अप्लाइड टू द न्यू बेब रियलिस्टिक ड्रामा डिपेक्टिंग द फैमिली लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज, जैसे लुक बैक इन एंगर है। टू ऑफ द फॉलोइंग प्लीज बिगिन विद वन ऑफ द कैरेक्टर डूइंग द डिसीजन किचन, आइडेंटिफाई द पेयर, तो इसमें पेयर कौन सा ये तय करना है, ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये जो है सेकेंड है थर्ड, द चिकन सूप विद बार्ली एंड रूट्स नाम के, ये जो इस पेयर के नाम के, टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, ये जो दो प्लेज हैं बिगिन विद वन ऑफ कैरेक्टर डूइंग, तो चिकन सूप विद बार्ली और रूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ बटलर इंग्लिश, बटलर इंग्लिश का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है ये हमें जानना है, तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अ डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश स्पोकन बाई द डिसेंडेंट्स ऑफ एंग्लो इंडियन, जी नहीं ये नहीं है, अ पिजिन आल्सो कॉल्ड किचन इंग्लिश, पिजिन इंग्लिश को जिसे किचन इंग्लिश भी कहा जाता है ये भी नहीं है, एनी नॉन ग्रामेटिकल वेराइटी ऑफ इंग्लिश यूज बाई मेनियल्स ऑफ, ये भी नहीं है, अ मिनिमल पिजिन दैट इमर्ज ड्यूरिंग कलोनियल टाइम्स ऑफ द
मद्रास प्रेसिडेंसी के दौरान ये जो निकला ये सही है हमारा ऑप्शन फोर और ऑप्शन फोर इज़ करेक्ट। तो आइडेंटिफाई द फायर साइड पोइट्स ऑफ द US, तो फायर साइड पोइट्स कौन कौन से हैं, ये तो रटने वाली चीज़ है, विलियम कलन ब्रायंट, लॉन्ग फेलो, SW लॉन्ग फेलो, ओलिवर बेंडल होम्स, ये इसमें हैं तो ये हमें रटना पड़ेगा। 50, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज थी, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं। तो एडहेरेंट्स ऑफ द 14th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट, 14वीं शताब्दी के धार्मिक जो मूवमेंट्स के जो फॉलोअर थे, जो वर्नाक्यूलर्स प्रीचिंग ट्रांसलेशन न्यू टेस्टामेंट इन इंग्लिश एंड चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स फॉर कॉल्ड, जो लॉर्ड्स थे वो किसान का मूवमेंट था, जो प्रीस्ट की अथॉरिटी के खिलाफ थे या चर्च के खिलाफ थे, तो लॉर्ड्स मूवमेंट था। तो दिस वॉज सीरीज ऑफ 50 क्वेश्चंस, आई होप इट विल हेल्प यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज जो दिसंबर 2018 का नेट ऑनलाइन हुआ था, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसको एक आध दो दिन में देता हूँ। थैंक यू।